तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का आज की वीडियो में। दोस्तों लेकर के आ चुके हैं नए ट्रैक्टर का वीडियो। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी हमारे सब्सक्राइबर की, और काफ़ी लोगों ने पूछा कि फार्म ट्रक में बड़े ट्रैक्टर का रिव्यू करिए सर। तो ये जो है फार्म ट्रक साठ T20 सीरीज का ट्रैक्टर है आज की वीडियो में। पूरे फीचर्स यानी कि पावर मैक्स सीरीज को लिया हुआ है, तो पूरे फीचर्स वाइज सबसे ज़्यादा इस जो अभी लेटेस्ट ट्रैक्टर चल रहा है फार्म ट्रक के अंदर, वो आपके सामने मौजूद है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे आज की वीडियो में इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है ये पावर मैक्स, क्लियरली मेंशन है पावर मैक्स। तो पावर मैक्स का मीन क्या है, यानी मतलब क्या है? पावर मैक्स का मतलब है दोस्तों पावर एंड परफॉर्मेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स, कम्फर्ट एंड सेफ्टी, स्टाइल एंड लुक। दोस्तों पावर मैक्स सीरीज के अंदर ये सभी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। दोस्तों इस ट्रैक्टर के अगर इंजन के बारे में अगर चर्चा करें तो 3514 सीसी का इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों इसी के साथ में पीटीओ एचपी की बात करें तो 49 एचपी का फुल पीटीओ आप लोगों को ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आरपीएम की बात करेंगे दोस्तों तो इसके अंदर आप लोगों को 2000 आरपीएम ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों इस ट्रैक्टर की अगर टॉर्क की बात किया जाए, जो कि टॉर्क इसका 240 एनएम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा प्लेनेटरी एक्सल के साथ में, तो ये भी काफी शानदार है। तो स्टार्टिंग से एक बार इसका रिव्यू मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप इस ट्रैक्टर का बोनट आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। इस ट्रैक्टर की लुकिंग जो है जो काफी लेटेस्ट, काफी ग्राफिक्स काफी शानदार बनाए गए हैं ट्रैक्टर के अंदर। फार्म ट्रक 60 पावर मैक्स ईपीआई क्लियरली मेंशन है ट्रैक्टर के बोनट पर। नीचे की साइड में T20 सीरीज भी लिखा है, यानी 20 स्पीड गियर बॉक्स। इसमें दोस्तों 20 गियर मिलते हैं आप लोगों को ट्रैक्टर के अंदर। तो सबसे सामने की ओर में आप लोगों को मिलेगा फार्म ट्रक का लोगो, नीचे दिया हुआ है पावर मैक्स, और दोस्तों 60 भी लिखा हुआ है क्रोम की फिनिश में। जो दोस्तों फ्रंट का बम्पर है वो कंपनी द्वारा आप लोगों को फिटेड दिया जाता है, काफी हैवी ड्यूटी बम्पर आप लोगों को मिलने वाला है। जो दोस्तों इसके फ्रंट एक्सल की अगर अपन बात करें तो फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल देखने के लिए मिलता है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर इसके पावर स्टेयरिंग के बारे में अगर चर्चा करें अपन, तो इसमें आप लोगों को डुअल एक्टिंग बैलेंस टाइप पावर स्टेयरिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी है। और फ्रंट में अगर हेडलाइट वगैरह के बारे में चर्चा करें तो फ्रंट में एलईडी वाले हेडलाइट आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि नाइट के टाइम में काफी प्रीमियम लगते हैं। तो दोस्तों अब चर्चा करेंगे इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका बोनट में ओपन करके दिखाऊंगा। तो बोनट ओपन करने के लिए आप लोगों को इधर की साइड में एक की बार दिया हुआ है, जिसको प्रेस करके इसका बोनट ओपन होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफी स्मूथली इसका जो बोनट है वो ओपन हो चुका है। डबल हाइड्रोलिक जैक लगे हुए हैं ट्रैक्टर के अंदर। दोस्तों पूरा जो ट्रैक्टर है एक ही बार में सिंगल पीस बोनट में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। पूरा बोनट ओपन हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगर सामने की ओर आप लोगों को बताया जाए तो ड्राई टाइप का एयर फिल्टर आप लोगों को ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप फ्रंट में ही देख सकते हैं। दोस्तों इस ट्रैक्टर का जो रेडिएटर है उसके अंदर जो आप लोगों को फ्रिंज मिलती है, यानी कि जो जाली मिलती है, वो आप लोगों को काफी बड़े गैप में देखने के लिए मिलेगी। इसका बेनिफिट किसान भाइयों को ये है, रीपर चलाते समय जो इसका रेडिएटर है वो जल्दी चौक नहीं होगा। अगर दोस्तों इसकी इंजन के बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें आप लोगों को 3514 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलता है, 3 सिलेंडर इनलाइन बॉस पंप के साथ में। दोस्तों 3 सिलेंडर इंजन के साथ में 2000 रेटेड आरपीएम पर यह ट्रैक्टर आप लोगों को 240 एनएम तक का टॉर्क आराम से प्रोड्यूस करके दे देता है। दोस्तों अगर नीचे की ओर बात करें तो इसमें डीजल फिल्टर सिंगल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो कि कंपनी का काफी लेटेस्ट आ रहा है, काफी डेवलप डीजल फिल्टर है। पास में ही वाटर सेपरेटर की पोजीशनिंग मिल जाएगी, नीचे बैटरी का बॉक्स मिल जाएगा। दोस्तों इसमें एक चीज जो है 24/7 आप लोग कंपनी से जुड़े रह सकते हैं। इसमें एक SOS मैसेज भेजने का भी आप लोगों को टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसमें एक बटन भी है। इधर की साइड में दोस्तों अगर आप लोगों को दिखाना चाहूं तो वाटर सेपरेटर मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें एक चीज ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो है इसका ड्राई एयर क्लीनर का सेंसर मिल जाता है आप लोगों को, ताकि इंडिकेशन मिल जाए डैशबोर्ड पर सीधे ही, यानी कि जब भी आपका रेडिएटर में धूल वगैरह ज्यादा हो जाएगी तो आप लोगों को इंडिकेशन मिल जाएगा। पीछे की साइड में दोस्तों पावर स्टेयरिंग के लिए सेपरेट ऑयल का बॉक्स अलग से देखने के लिए मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर, जो कि बैलेंस पावर स्टेयरिंग को काफी रखरखाव को काफी अच्छा बनाता है। दोस्तों नीचे की साइड में इसमें सिंगल डीजल फिल्टर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो कि कंपनी का काफी लेटेस्ट
डीजल फिल्टर अभी चल रहा है। ऊपर की साइड में वाटर सेपरेटर मिल जाएगा जो कि डीजल में से पानी को अलग करने का काम करता है। बैटरी बॉक्स की पोजीशन काफी शानदार जगह पर दी हुई है जिससे ट्रैक्टर की लुक काफी ज्यादा निखर के आती है। अब दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा राइट साइड में, तो दोस्तों राइट साइड में इसमें हाइड्रोलिक फिल्टर मिलेगा आप लोगों को, अल्टरनेटर मिलेगा, और दोस्तों जो पंप है वो अलग अलग मिल जाएंगे, हाइड्रोलिक का और इंजन का अलग अलग पंप मिल जाएगा। अब दोस्तों इधर की साइड में आप लोगों को दिखाना चाहूं तो इंजन का फिल्टर मिल जाता है। दोस्तों साइलेंसर जो है काफी थिकनेस पतली मिल जाएगी इसकी आप लोगों को, काफी सुंदर लग रहा है अभी। अब इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे मेन है प्लेटफॉर्म, किसी भी ट्रैक्टर का कंफर्ट किसान को अगर ज्यादा समय तक मिलेगा तो किसान ज्यादा ट्रैक्टर चला पाएगा। तो आप देख सकते हैं ये है इसका प्लेटफॉर्म, काफी खूबसूरत बना दिया है पहले से। जो दोस्तों इधर की साइड में आप देख सकते हैं हीट गार्ड भी लगाए गए हैं कंपनी द्वारा, यानी कि किसान के पैरों तक चलाते समय ट्रैक्टर को हीट नहीं लगेगी पैरों में। अब दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहूंगा इसमें जो है मैटी भी कंपनी की तरफ से आती है। जो इसका प्लेटफॉर्म है वो हल्का सा बंप आपको बीच में देखने के लिए मिलेगा जो कि फार्म ट्रक के छोटे ट्रैक्टरों में देखने के लिए मिलता है। हायर एचपी में बिल्कुल फ्लैट फ्लैट फॉर्म आप लोगों को देखने के लिए अवेलेबल मिलेंगे। दोस्तों फार्म ट्रक की सबसे शानदार चीज इसके इंडिकेटर्स और पार्किंग लाइट काफी ब्यूटीफुल देखने के लिए मिलते हैं। जो दोस्तों अन्य ट्रैक्टर कंपनी के किसान भाई अन्य ट्रैक्टर लेते हैं वो इंडिकेटर जो है फार्म ट्रक के लगवाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं अन्य ट्रैक्टरों में भी, तो इसके इंडिकेटर एलईडी में मिलते हैं और काफी शानदार लगते हैं चलते समय। मैं आप लोगों को चालू करके भी दिखाता हूं। तो दोस्तों आप इधर की साइड में देख सकते हैं काफी शानदार इंडिकेटर ट्रैक्टर के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और काफी शानदार ब्राइट है एकदम। तो अब दोस्तों बात करते हैं ट्रैक्टर के गियर बक्से के बारे में। दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर 20 गियर स्पीड आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो इसके ऊपर चल के मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देना चाहूंगा। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में आप लोगों को डबल लीवर मिलेंगे, इधर की साइड में आप लोगों को आइलो का एक लीवर मिलने वाला है और पीछे आप लोगों को एक और लीवर मिलेगा जिससे इसमें 20 गियर बनते हैं। दोस्तों अगर आप इसको आगे की ओर करते हैं तो ये बुल इस पर छपा हुआ है और पीछे की साइड में हॉर्स छपा हुआ है और बीच में न्यूट्रल है, यानी कि दोस्तों ये जो स्पीड है 8+2 आप लोगों को मिल जाती है क्योंकि इधर 4 स्पीड आगे की ओर और एक स्पीड पीछे की ओर मिलेगी। तो दोस्तों हाईलो में यानी कि 10 की स्पीड और 10 इससे बनती है तो 20 स्पीड ट्रैक्टर के अंदर हो जाती है, अलग अलग चाल मिल जाती है यानी कि किसान भाइयों को। अब दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहूंगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि सभी जानकारियां सभी इंडिकेशन आप लोगों को ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। काफी छोटा काफी ब्यूटीफुल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों अगर बात करें इस ट्रैक्टर के अंदर डीसी और पीसी लीवर की तो इधर की साइड में आप लोगों को मिल जाएंगे और उनके ऊपर क्लियरली मेंशन भी है। जो दोस्तों ऑरेंज वाला लीवर है वो ड्राफ्ट लीवर है और ब्लैक वाला पोजीशन लीवर है। उसी के पास में दोस्तों आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर के चलाने के लिए अलग से लीवर मिल जाएगा कंपनी फिटेड। दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है 55 HP का है तो 55 HP फेंडर पर क्लियरली मेंशन है। तो दोस्तों साथ में आपको मिल जाएगा पीटीओ का लीवर जो कि दोस्तों आप लोगों को लगभग लगभग 1810 RPM पर 540 चक्कर ट्रैक्टर के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों इसमें मल्टी स्पीड पीटीओ भी मिल जाती है, यानी कि जितने भी गीजर हैं उनमें भी आप पीटीओ चला सकते हैं अलग से। दोस्तों एक जो है सीट के नीचे आप लोगों को लॉक मिल जाएगा, यानी अगर आप कभी पीछे इम्प्लीमेंट कोई भी है और आप चाहते हैं कि ये लीवर डाउन करने से नीचे ना जाए तो आप इस लॉक को भी लगा सकते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर डबल क्लच देखने के लिए मिल जाएंगे आप लोगों को ट्रैक्टर के अंदर। दोस्तों इसमें इंजन को ऑपरेट करने के लिए सेपरेट क्लच देखने के लिए मिल जाती है और पीटीओ को चलाने के लिए अलग से क्लच का लीवर आप लोगों को ड्राइवर सीट के पास में मिलेगा, यानी कि पीटीओ अगर आपको चलानी है तो उसके लिए अलग क्लच, इंजन को चलाने के लिए अलग क्लच, जो कि किसान को काफी ज्यादा सुविधा प्राप्त करवाती है। अब दोस्तों बात करेंगे इस ट्रैक्टर के टायर साइज के बारे में। टायर इसमें 16x28 का आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, कंपनी कोई भी मिल जाएगी कस्टमर डिमांड के हिसाब से। और दोस्तों पीछे की ओर अगर हाइड्रोलिक के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो दोस्तों इसमें जो है एपिसाइक्लिक रिडक्शन वाला रियर एक्सल आप लोगों को ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा जो कि काफी हैवी ड्यूटी देखने में लगता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो है EPI यानी कि प्लेनेटरी ड्राइव एक्सल आप लोगों को मिलेगा, तो काफी भारी अगर काम है आप लोगों का यानी भारी ट्रॉली भी लाना है तो ट्रैक्टर पर ज्यादा कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है।
अब दोस्तों आप लोगों को इसको पीटीओ एचपी बताना चाहूंगा, तो 49 HP की पीटीओ एचपी इस ट्रैक्टर के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। और दोस्तों साथ ही साथ में पीछे की साइड में डबल ऑक्सरी बाल्ब देखने के लिए मिलेंगे ट्रैक्टर के अंदर, जो कि दोस्तों आप लोगों को अगर मैं बताना चाहूं तो रेड वाला जो है ट्रॉली वगैरह के काम में आप लोगों को ऑपरेट करना है, और डिस्ट्रीब्यूटर बाल्ब में अगर आप लोगों को ऑपरेट करना है तो आगे एक नॉब भी मिलेगा इसमें, जिसको आप टाइट करने पर डबल डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर सकते हैं, और उसको ओपन यानी ढीला करने पर आप लोग सिंगल प्रेशर वाली ट्रॉली का काम भी कर सकते हैं। दोस्तों इसकी लिंक जो है वो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, आप दोनों साइड इस ट्रैक्टर की जो लेफ्ट है पीछे की आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों साइड में आप लोगों को एडजस्टर देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें ट्रैक्टर के अंदर तो 2500 केजी की मिल जाएगी आप लोगों को, काफी हैवी ड्यूटी पीछे की लिफ्ट देखने के लिए मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं इस ट्रैक्टर की सेंसिंग के बारे में। इस ट्रैक्टर की सेंसिंग में आप लोगों को मिलने वाले हैं 3 सेंसिंग पॉइंट, जो दोस्तों आप लोगों को अलग अलग काम अलग अलग मिट्टी वाले कामों के हिसाब से मिल जाएगी। नीचे वाला लीवर जो है इसमें आप लोगों को हार्ड सॉइल में ये ट्रैक्टर को चलाना है, यानी कि दोस्तों जब कड़क मिट्टी हो तब चलाना है। मीडियम सॉइल में आप लोगों को बीच वाली सेंसिंग में डालना है, सबसे ऊपर वाले में आप लोगों को बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी में डालना है। दोस्तों इसका सेंसर जो है ऊपर की साइड आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, अलग से टूल बॉक्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, 5 ईयर वारंटी ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलती है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, 5 साल तक ट्रैक्टर की फुल गारंटी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रैक्टर के अंदर सर्विस इंटरवल के बारे में। तो दोस्तों इसका सर्विस इंटरवल जो है दोस्तों 500 घंटे का ट्रैक्टर के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है, तो ये काफी अच्छी बात है किसान भाइयों के लिए, 500 घंटे पर इस ट्रैक्टर की सर्विस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों गियर बॉक्स का टाइप जो है फुली कॉन्स्टेंट मेंस गियर बॉक्स ट्रैक्टर के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं इसका ड्राई एयर फिल्टर जो है दोस्तों 250 घंटे पर आप लोगों को चेंज करवाना है, ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी होती है किसान भाइयों के लिए, तो इसका आप लोग ध्यान रखें, 250 घंटे पर इसका ड्राई एयर क्लीनर चेंज होगा। और दोस्तों सभी जानकारी लगभग मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में बताई दी है ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, ट्रैक्टर की पूरी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो गई होगी आशा करता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।